उन्हीं के राज में तो हम 1990 में हम जो है मैट्रिक परीक्षा दिए थे, लालू यादव जी थे, कोई नौकरी नहीं हुआ। तेजस्वी यादव रिश्वत लिया है, ये बात मान रहे हैं? मैंने आपको अगर देगा तो नहीं लीजिएगा, ये बताइए। तेजस्वी यादव रिश्वत लिया है? आपको अगर रिश्वत देगा तो नहीं लीजिए, नहीं लेंगे। और इंडिया वाला कह रहा है उनको में ज्यादा दंग आई है, उनको हार जाने के बाद जहाँ तहाँ बम ब्लास्ट करेंगे। मोदी जी का कहाँ आया था, पटना बम फटा था ना। 25 से 30 टाइम टाइम फीस की हुए नीतीश, मेरा सवाल है। अरे ये सरकार जो है ना, ये सरकार को नहीं रहना चाहिए था। सरकार को रहना नहीं था, किसको रहना चाहिए? यहाँ तेजस्वी यादव को रहना चाहिए। क्या कहते हैं तो पूछ रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव कहीं दूर दूर नहीं लौक रहे हैं अभी ना। अभी दूर दूर अभी बहुत देरी है। उबा चेहरा नहीं से किया होगा। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए गठबंधन दलों की जो है बैठक बुलाई गई थी और इसमें रणनीति बनाई गई है कि 2025 में जो है एनडीए गठबंधन को 220 सीट किस तरीके से पार करनी है। यानी कि कहा जा रहा है, नारा लगाया जा रहा था कि 2025 में फिर से नीतीश और एनडीए सरकार और 225 पार। जनता के बीच है, जनता से ही जानते कि क्या वाकई में इस बार क्या फिर से नीतीश कुमार जो है 10वीं बार शपथ ले पाएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर या कोई चेंज होगा। यानी तेजस्वी यादव भी जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी है, यानी चेहरा है। जनता के बीच है, जनता से ही जानते कि इस बार बिहार की मुख्यमंत्री कौन। इस बार बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव होना है, उससे पहले एनडीए ने बैठक की और कहा कि इस बार जो है हम 220 सीट जो है पार करेंगे। क्या लग रहा है, एनडीए की सरकार बनेगी या चेंज? देखिए, एनडीए की सरकार में कहीं तीनों चारों मिल के लड़ता है इलेक्शन बिहार में, जिसे बीजेपी हुआ, हाँ इंडिया गठबंधन में लड़ता है मिलजुल का, तो लगता है बिहार में नीतीश कुमार को सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार वही होगा कि नीतीश कुमार बनेंगे जिसे मिल के लड़ेंगे। तो आज मांग उठ रहा था कि चिराग पासवान को भी सीएम बनाइए, उनके अध्यक्ष राजू तिवारी बोल रहे थे। देखिए, अब तो राजू तिवारी जी को सोच है चिराग जी को लिए, तो हम ये नहीं कहेंगे चिराग जी को नहीं बनाना चाहिए। बनाना फिर चाहिए चिराग जी को, बहुत ज़रूरी है। क्या नीतीश कुमार जी अब थक गए हैं, उनका आराम की ज़रूरत है, तो चिराग को बनाना फिर ज़रूरी है। क्या कि तीन दो दो मुख्यमंत्री बिहार में देखा 1990 से आज तक ला, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो? नहीं, तेजस्वी यादव कहीं दूर दूर नहीं लौक रहे हैं अभी ना। अभी दूर दूर अभी बहुत देरी है। उबा चेहरा नहीं से किया होगा। अभी दूर दूर तक तेजस्वी यादव नहीं लौक रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, मतलब 220 सीट पार होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। देखिए, तीनों लगे 220 से बेसी भागेगा। बेसी 243 में 220 से बेसी भागेगा। क्या होगा आरजेडी का? आरजेडी का सुखड़ा साफ हो जाएगा बिहार में, और क्या होगा। साफ एकदम हो जाएगा बिहार में। हाँ भैया, सुखड़ा साफ हो जाएगा एकदम निश्चित होगा। हाँ एकदम निश्चित होगा, आएगा नीतीश कुमार ही। हाँ फिर से 10वीं बार शपथ लेंगे। हाँ नारा लग रहा है कि अब की बार 220 पार होगा ही, 220 पार 230 भी हो सकता है, मतलब 25 में फिर से नीतीश। हाँ फिर से नीतीश का है युवा चेहरा तेजस्वी यादव के सामने। तेजस्वी यादव क्या, वो आदमी अब शिक्षित हो गया, बतौला देने से सरकार नहीं बनता है, काम करने से सरकार बनता है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं हम रोजगार दिए। क्या रोजगार दिए हैं, किधर रोजगार दिए हैं? कोई रोजगार नहीं है। कहते हैं 4 लाख 5 लाख नौकरी दिए। कहाँ 4 लाख 5 लाख नौकरी, कहाँ नौकरी मिला? नहीं मिला। नहीं, उन्हीं के राज में तो हम 1990 में हम जो है मैट्रिक परीक्षा दिए थे, लालू यादव जी थे, कोई नौकरी नहीं हुआ, आज तक भटकिए रहे हैं मैं बीए करके। मतलब आप चाह रहे फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश से सरकार हो? नीतीश से सरकार हो। हाँ चाहे जो हो उसमें, लेकिन जदयू का ही जो है बने सरकार, और क्या। फिर से एक बार नीतीश सरकार। अरे 25 से 30 टाइम टाइम फीस की हुए नीतीश, मेरा सवाल है, समझ गए? तो सवाल गंभीर है, एक ही चेहरा को बार बार क्यों? अरे ये परिवर्तन लाइए, परिवर्तन से राज्य का विकास होता है, गांव का विकास होता है और समाज का विकास होता है। क्या चिराग? अरे चिराग का वैकेंसी खाली नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। पक्का? नहीं तो कच्चा। इंडिया वाला कह रहा जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। अरे आप तो ऐसे पूछ रहे हैं कि गोदी मीडिया की तरह सवाल कर रहे हैं। आप भी जी न्यूज के एंकर हो गए हैं का? अरे जी न्यूज वाला एक के बतवा रिटता है कि जमानत जब्त हो जाएगा। इंडिया का हम थोड़ी कह रहे हैं, एनडीए का तो अपने जमानत जब्त होने जा रहा है, उनको कौन बचाएगा भाई? अरे 243 में अब की बार 220 पार। सही 400 पार का नारा लगा रहा था।
मैं देश की जनता ने लंगड़ी सरकार चुनने का काम किया 24 में बैसाखी की। नीतीश सरकार आएगा? नहीं भाई, परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, फिर एक बार नीतीश सरकार। आप किसको चाह रहे? तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव क्या है महाराज? क्या किया है तेजस्वी यादव? बताइए। अच्छा नेता है। मैंने क्या किया, कैसे अच्छा मान ले बताइए। ठीक है। अरे कैसे अच्छा बताइएगा ना, क्या चीज आपको खराब लगता है? तेजस्वी यादव अच्छा नेता तो कैसे अच्छा बताइए, आपको क्या चीज से मतलब नहीं लग रहा है कि वो अच्छा नेता तो नहीं? बताइए क्या अच्छा काम किया, वही तो पूछ रहे हैं। हर काम अच्छा किया। क्या? जैसे जैसे शिक्षक बहाली किए, नौकरी दिए ना जी, उस गति में हुआ तो ना सबको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजगार दे दिया। बोलिए। अरे ये सरकार जो है ना, ये सरकार को नहीं रहना चाहिए था। सरकार को रहना नहीं था, किसको रहना चाहिए? यहाँ तेजस्वी यादव को रहना चाहिए। तेजस्वी यादव तो पूछ रहे हैं, मतलब वो रहता तो सही रहता। पहला कह रहे थे बाढ़ आया, राघोपुर छोड़ के भाग गए दुबई। इनको ये बताइए कि दारू बंद है, फिर दारू पर जा रहे हैं आप? नहीं, जैसे बाढ़ आया तो राघोपुर छोड़ के दुबई कहाँ भागे? भाजपा वाला सवाल करे, जवाब दीजिए। भाजपा का जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कैसे? तो राघोपुर बाढ़ में डूब रहा था तो इसे तो दुबई गए थे, कहाँ हैं? गए थे शहर पर घूमने। मान रहे हैं ना, फिर इस बार किसकी सरकार? देखिए किसका सरकार आएगा, जो नीतीश का सरकार तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। कहो ककर सरकार? अभी तेज प्रताप था। तेज प्रताप? हाँ जी, लाइने में ना है। किसका सरकार? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? यस। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार नहीं, क्या है जितना अभी तो उतना ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ। जितना जानकारी है उसके अनुसार हम तो तेजस्वी यादव को ही चुनेंगे। आप युवा हैं इसीलिए? हाँ, इसीलिए हम तेजस्वी यादव को ही चुनेंगे। नीतीश कुमार इतना विकास किए बिहार में? नहीं, और बार 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 पीछे पागल है। कुछ भी विकास के आप एग्जांपल दे सकते हैं, शराबबंदी देख सकते हैं, शराबबंदी क्या अच्छी तरह से पूरी बंद हुआ है? मतलब आप चाहते हैं इस बार? हाँ, इस बार तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा चुनाव होना है 2025 में, सरकार किसकी, फिर से नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? न्यू पार्टी चाहिए। कौन? कोई नया चेहरा चाहिए, ना तेजस्वी ना नीतीश। नाम बताइए ना, कोई ऐसा होना चाहिए नेता। नाम तो बताइए। अच्छा बताइए, जो आरजेडी में है ऐसा नहीं कि सिर्फ तेजस्वी यादव ऐसा पढ़े लिखे नेता, और भी तो नेता है जो कि आते नहीं है। आप किसको चरण? जनसुराज? नहीं, जनसुराज किसको? नहीं, चिराग पासवान? नहीं नहीं, सम्राट चौधरी? कोई नहीं, अशोक चौधरी? अगर प्रॉपर अगर बनता है आरजेडी का सरकार तो बेहतर रहेगा। मैंने आप चाह रहे तेजस्वी यादव, यही बताया, बोला ना यार, कब से खोलिए नहीं रहे, कब से तेजस्वी यादव जी? हाँ, तो भागे लाइन पर। नीतीश कुमार से क्या दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा वाला कहता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जमीन ले लेकर नौकरी देंगे जी। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। जमीन नहीं लेते हैं? नहीं, कोई किसी से, आप किसी को दे रहे हैं तो कौन नहीं लेगा? आप मान लीजिए जाइएगा देने के, तो सब ऐसे दे दिया था ना कि ले लीजिए नौकरी दे दीजिए। नहीं नहीं, बता रहे आपको, आप ही ना बोल रहे हो। सुनिए ना, बता रहे हैं आप दीजिएगा रिश्वत की लीजिए भैया तो कौन नहीं लेगा? आपको आप तेजस्वी यादव रिश्वत लिया है, ये बात मान रहे हैं? मैंने आपको अगर देगा तो नहीं लीजिएगा? तेजस्वी यादव रिश्वत लिया है? आपको अगर रिश्वत देगा तो नहीं लीजिए? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तेजस्वी यादव लिया रिश्वत? कहाँ बिहार में रिश्वत? आप मान रहे हैं तेजस्वी यादव ने रिश्वत लिया है? बिहार में? आप पहले बात सुनिए ना मेरे भाई, आप मान रहे हैं तेजस्वी यादव ने रिश्वत लिया है पूरे? हाँ या ना? अरे फिर पूरा इंडिया में जाइए, बता रहे अभी आप बोले रिश्वत बोले तो बता रहे ना कि आप कौन चोर नहीं है, सब बताइए। सब चोर है सर? यार जवाब सुनो ना, हम कह रहे तेजस्वी यादव रिश्वत लिए, बात मानते हैं? फिर वही घुरा के ले ला रहे, घुराएंगे? अरे ऊपर से नीचे तक चोर है पूरे, तेजस्वी यादव ने जमीन लिया है। अरे सब सरकार चोर है, सब तेजस्वी यादव ने, सब सरकार चोर है, सब सरकार चोर है, टोटल सरकार चोर है, तेजस्वी यादव सब सरकार चोर है। हाँ, सब सरकार चोर है, सब सरकार चोर है, जमीन लिया ना? अरे सब सरकार चोर है, बता तो रहे जमीन लिया है? जमीन का पता कौन लिया नहीं लिया, लेकिन पूरा चोर लेता है। सरकार 5 साल के लिए बनता है ना, लेकिन 5 साल बिहार में चलता नहीं है, पहला नंबर। और नीतीश जी का जो है, मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मैं मुख्यमंत्री रहूँगा, ये तो नियम है ही। तो कुछ दिन तक NDA के साथ रहेंगे, कुछ दिन के बाद उसमें चले जाएंगे, सभी पार्टी अपने में लड़ाई करेंगी, पक्ष विपक्ष को बोलेगा, फिर उसका अपना अपना सबको मिल जाएगा। 25 में चुनाव होना है और NDA जो है नारा लगा रही है कि 25 में जो है, अब इस बार 220 सीट पार होगा, क्या लगा रहा? 220 सीट पार होगा या 200, जिस तरीके से 2024 के विधान लोकसभा चुनाव में लगाया जा रहा था नारा कि अब की बार 400 पार, तो उसी तरह जुमला निकल जाएगा? देखिए, जुमला किस तरह से निकलेगा ये हम नहीं कहेंगे कि पार होगा नहीं होगा, वो तो उन लोगों का खेल है।
और उन लोगों के अपने अपनी नीतियाँ होगी कि क्या हम अपने जनता को किस तरह से लुभा सकते हैं, किस तरह से प्रोत्साहन कर सकते हैं जिससे हमको वोट दे दिया जाए। हम किसको चाहते हैं? हम उसको चाहते हैं जो देखिए युवा हैं, मैं तो युवा के हिसाब से यही कहेंगे जो सरकारी जॉब दे। तेजस्वी यादव को आप चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव को हम नहीं चाह रहे हैं, आना नीतीश कुमार को चाह रहे हैं, आना ही चाह रहे हैं, क्योंकि कोई एक साथ रहे यदि हम आपके आपके मन में तो एक नाम तो होगा ना, बता नहीं रहे नाम बताइए ना। हम एक पक्ष पार्टी के हैं नहीं, पहला नंबर, किसी एक को सपोर्ट करते नहीं है, ना हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे, भले एनडीए तो हटाइए, बीजेपी वो आए जो काम करे, यही ना चाहते हैं। वो आए जो काम आप करे। किसको चाह रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। फिर से नीतीश कुमार? फिर से नीतीश। क्या दिक्कत है तेजस्वी यादव से? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक है, अच्छा चला रहा है। तेजस्वी यादव पार्टी जो मेरा इधर जा है उधर रहे, लेकिन नीतीश कुमार तो बाहर रहे चाहे उधर रहे, चीट रहे चाहे पट रहे, कमवा करते हैं। हाँ कमवा करते हैं। नीतीश कुमार ठीक है, बिहार के लिए क्या खराबी किया है? तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तो ठीक नहीं है, अंधेरे में रहेंगे। युवा है जी, युवा है, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत नहीं ना, उम्रदराज आदमी के बीच में रहना ना चाहिए। अच्छा चलिए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन 25 में? हाँ जी फिक्स है, तेजस्वी प्रसाद यादव। हाँ जी कैसे फिक्स हो गया जी? फिक्स हो गया ना, मैंने फेविकोल जैसा फेविकोल से चपक गया ना, आके ना पता है हिना साहब सदस्यता लिए उनको बेटा ओसामा। क्या हो गया उसे? का हो गया, बहुत कुछ आ गया, बाहर आ गया है तेजस्वी कुमार के लिए। हाँ फिर नीतीश कुमार नहीं बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए नीतीश कुमार बने या नहीं बने, अगर नीतीश कुमार बने तभी ठीक है, और नीतीश कुमार ना बनेंगे तेजस्वी प्रसाद बनेंगे। तो लोग कह रहे हैं इंडिया वाला के तेजस्वी यादव यानी कि राजद की सरकार जाएगी तो खाली दंगा फसाद होगा जी, लोग दंगाई है सब। राजद वाला? राजद वाला दंगाई है, अगर कोई कहीं में मिठाई है ना, अगर उसको खरीदा जाएगा तो महंगा मिलेगा ना, तो कहेगा तो मिठाइया खराब वालो और सरकार ना बोले तो वही ना दंगा करवाएगा, कैसे बोल रहे सरकार गिरे? दंगाई पार्टी है? नहीं जी तो रहा इंडिया वाला, और इंडिया वाला कह रहा है उनको में ज्यादा दंगाई है, उनको हार जाने के बाद जहाँ तहाँ बम ब्लास्ट करेंगे। मोदी जी का कहाँ आया था? पटना बम फटा था ना, तो कौन कौन फोड़ा था? चलिए मैंने आप चाहता तेजस्वी यादव। हाँ तेजस्वी यादव। चलिए तमाम लोग थे, तमाम लोगों की बातों को हम सुना, कई लोग कह रहे हैं कि फिर से एक बार नीतीश कुमार, तो कई लोग कह रहे हैं कि इस बार युवा चेहरा तेजस्वी यादव को हम लोग मौका देना चाहते हैं। आप लोग 2025 में किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।